बोलो भारत माता की जय, 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 बोल भारत माता की सीआरपीएफ की बैरेट कैंप में बहुत वीडियो बनाया, आज बीएसएफ की बनाते देख लो भाई। बीएसएफ की कॉम्बेट है ये, ठीक है कि परिंदे को मंजिल मिलेगी, यकीनन उसके फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। देखिए भाई बहुत दिन से अंदर से अभी तो ताली आ रही है। ओए ताली अच्छे से बजाओ, तुमको बताता हूँ। पहले देखो पहले ताली सिखाते हैं, पहले कमांडो ताली, रुक जा रहा देख लो पहले। ये देखो भाई बहुत दिनों से लोग बोल रहे हैं कि सर आपके सिलेक्शन के वीडियो तो अब लाइन लगा देंगे आपके लगातार, और ये मान के चलिए अगले एक साल में इतने वीडियो आएंगे। जैसे आपने बोले ना आपने सर की ट्रेनिंग के हर रोज एक दिन में 10 वीडियो, वैसे सिलेक्शन के भी आने शुरू हो जाएंगे। पहले ये अपना परिचय देगा और फिर मेरा दे देगा। भाई पहले बेटा अपना परिचय दो। मेरा नाम गजेंद्र है। कहाँ का रहने वाला है? मैं छोटी काटू का रहने वाला हूँ। छोटी काटू डीरवाना के पास, छोटी काटू डीरवाना तहसील छोटी काटू, राजस्थान। राजस्थान है। अब ये बताएगा कब से तैयारी कर रहा भाई? मैं जब सर अपनी एकेडमी नहीं थी, लॉकडाउन से पहले की बात थी। लॉकडाउन आने के कारण हमारे एक मिनट रुक जा, पहले मैं नहीं तो प्रूफ मांग लेंगे, मैं भूल जाऊंगा। अरे देख लेना भाई प्रूफ, नहीं तो फिर बाद में आ जाएंगे आप प्रूफ मांगने एकेडमी में, देख लेना। ये इसके फोर्स नंबर भी है भाई 21 32 0 88 55। एकेडमी मत आना, फोर्स ना, ये फोटो भी भेज दूंगा मैं। ये नहीं तो क्या प्रूफ दिखाओ, ये ना प्रूफ, ठीक है। अब बता बेटा। मैं जब से तैयारी कर रहा था तब सर ने एकेडमी नहीं डाली थी। हम 10 बंदे तैयारी कर रहे थे, उसमें से हम 7 बंदों का सिलेक्शन हो गया था। अब मैं बताता हूँ, रुक जाओ मैं बताता हूँ पूरी बात। ये बच्चा 2017 से है मेरे पास। उस समय हमारी ऑफलाइन कोचिंग थी, उस समय यूट्यूब पर नहीं था। यूट्यूब पर मेरे को केवल 1 साल हुआ है, ठीक है। और ये 2015 वाले बैच में जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद में से 2016-17 में मैंने एकेडमी ओपन की थी। उस एकेडमी का सिलेक्शन है और अभी ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया बीएसएफ की। अभी कहाँ से आया बेटा बता? अभी मैं सीधा इंदौर से ट्रेनिंग करके यहाँ पे आया हूँ सर से मिलने के लिए, क्योंकि सर ने मेरा इतना सपोर्ट किया था। मेरे फादर नहीं थे तो सर के पास में आया था। मैं बोला सर मेरे को फौज में जाना है, वर्दी पहननी है, और इनके साथ मैं दिन रात करके अच्छे से सर ने मेरे को पढ़ाया और आज तक फीस नहीं लिया। बोला सर तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और मैं तुमसे आधा पैसा लूँगा। ये सर ने अभी तक पैसा नहीं लिया। बोला ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में जब तेरा पैसा हो जाए तब मेरे को पैसा देना। भाई अब ऐसे बुराई करने वाले तो हमारी बहुत है, लेकिन ये देख लो भाई, ये वर्दी पहनकर झूठी बात नहीं है, 100% सच्ची बात है, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। इसके अलावा 6 बच्चे और लगे हैं, तो उनके भी वीडियो बैक टू बैक आ जाएंगे। ये टोटल 7 लगे 10 में से, और जो बाकी 3 है वो इस बार आपको राजस्थान पुलिस के सिलेक्शन बता देंगे भाई। इसमें वो तीनों के तीनों अब लोग ऐसे है कि देख ले, पहले तो ये प्रूफ देख लेना। और ये बच्चा छोटी घाटू का रहने वाला। गजेंद्र एड्रेस भी बता बेटा पूरा, नहीं तो क्या पता घर पे आके कोई पूछ ले। तो हम बता एड्रेस बता। छोटी घाटू SBI बैंक के सामने। हाँ तो जाके वापस मिल लेना, इससे पूरी डिटेल ले लेना। नहीं तो बोले क्या पता कमांडो सर का ये एडमिशन है कि नहीं है, उन्होंने तैयारी, इसके भी पूरे प्रूफ है भाई, ठीक है। और अब ये घर पे नहीं गया, पहले डायरेक्ट सर से मिलने के लिए आया था, क्योंकि सर ने मेरी लाइफ सेव कर सर की वजह से ये वर्दी मिली है मुझे आज। तो भाई अब जो सिलेक्शन वाले वीडियो ना उसकी ऐसे लाइन लगा देंगे जैसे हमने पहले ट्रेनिंग के वीडियो की लगाई थी ना। अब एसएससी जीडी में हमारे 51 में से कितने थे रे? 40। 51 में से 40 बच्चे पास है। इसको बोलते हैं गारंटी बेस। कोई 500 में से 5 नहीं है, 51 में से 40। और राजस्थान पुलिस के 19 बच्चे हैं अभी। कितने हैं आप देख लो? 19 बच्चे हैं। 18 की गारंटी है पेपर पास की। कितने गारंटी है? 100% है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन ठोक देंगे 101%। एसएससी जीडी 2023 का बैच अभी शुरू कर दिया हमने, ठीक है। ये बच्चा ट्रेनिंग करके आया कितने मंथ की? 44 वीक की, यानी कि पूरा का पूरा 11 महीना, ठीक है। और ये जब से ट्रेनिंग पासिंग आउट पीरियड किया तब से कॉल कर रहा है, सर मैं इंदौर गया हुआ था उस समय, कहा कि मेरे पास में एक बार मिलके जाओ। और पासिंग आउट पीरियड में तो मैं जा नहीं पाया। तो जितने भी बच्चे, कुछ लोग ऐसे भरम ये आईडीओ के चक्कर में बोला कि सर प्रूफ दिखाना, ये प्रूफ है भाई बैक टू बैक, और सबका प्रूफ दिखाएंगे ओरिजिनल, नहीं तो फिर बोल दोगे क्या होता सर वर्दी पहना के किसको ले आए। हाँ, यहाँ आके प्रूफ मांग रहे हैं, यहाँ आके तो फिर जूत ही मिलेंगे, प्रूफ थोड़े मिलेंगे। अरे यहाँ प्रूफ मिलेंगे जूत, यहाँ प्रूफ मांगने नहीं आना, इधर देखना। हाँ, ज्यादा होशियार की पे फिर यहाँ पर जूत मिलते हैं। तो जो भी बच्चा तैयारी करने वाला है बेटा, बहुत सारे लोग हमारे पास में बदनामी करना शुरू कर दिया, लेकिन उससे असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको फौज की वर्दी चाहिए तो कमांडो एकेडमी। कौन सी एकेडमी? कमांडो एकेडमी। और भारत माता की जय। एक लाइन बताता हूँ इसके लिए कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं कोई। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई।